जाके यूज करो सर्फशार्क वीपीएन। ब्लैक फ्राइडे का वीक चल रहा है तो सर्फशार्क वीपीएन में काफी ऑफर्स भी चालू हैं। आपको अलग अलग लोकेशन यूज करके काफी बेटर डील्स मिल जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह और काफी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह। और साथ में अगर आप सर्फशार्क वीपीएन को अगर इस वीक में यूज करते हो या तो परचेज करते हो, आपको 84% डिस्काउंट भी मिल जाता है और साथ में 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री ट्रायल भी आपको मिल जाता है। सर्फशार्क वीपीएन के जरिए आप काफी कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म हो गया, और सर्फशार्क वीपीएन में आपको 30 डेज के अंदर आपको अपना रिफंड भी मिल जाता है। सर्फशार्क वीपीएन में आपकी प्राइवेसी का काफी ध्यान रखा गया है। इसके पैकेज में भी आपको ये महीने में काफी डिस्काउंट मिल जाता है, 84% का डिस्काउंट। और अगर आप सर्फशार्क वीपीएन में मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। सर्फशार्क वीपीएन पूरी तरीके से अनलिमिटेड है, 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। इसमें काफी फीचर्स हैं, जैसे मल्टी हॉप, व्हाइट लिस्टर, क्लीन वेब। इसलिए जाके यूज करो सर्फशार्क VPN, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज माय प्रोमो कोड विक्सर। और ब्लैक फ्राइडे की डील चल रही है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रैब कर लो। तो यार, जैसे जैसे ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी आगे बढ़ते जा रही है, इसमें नए नए कैरेक्टर आते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का जो अभी इतने ट्रेन नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ट्रेन किया जाए तो काफी ऊपर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ सकते हैं। जब पहली बार वेजिटा यूनिवर्स 6 के सेयन से मिला था, उस वक्त उस सेयन के उनके यूनिवर्स वाले इस बात से वाकिफ तक नहीं थे कि वो कौन है, वो सेयन्स है, और एक सेयन की लिमिट क्या होती है वो भी नहीं जानते थे वो, जिसको वेजिटा ने टूर्नामेंट के दौरान उन्हें समझाया कि वो सेयंस हैं, वो कोई मामूली ब्रीड के लोग नहीं, वो चाहे तो खुद को एक ऐसे लेवल पर लेके आ सकते हैं जहाँ जल्दी कोई जा नहीं सकता। और वेजिटा जैसे तैसे उनके यूनिवर्स का सबसे पहला सुपर सेयन उनके अंदर से बाहर निकालता है। फिर काबा अपने यूनिवर्स में जाके कॉलिफा और केल को बताता है कि हम सेयंस हैं, तुम्हें पता है हम हर ब्रीड के तरह सेम नहीं है, हम खुद को अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं, जिसे सुपर सेयन कहते हैं। और वेजिटा ने उन सेयंस को जाते जाते ये कहा था कि ध्यान देना, मैं वापस से तुम्हारे प्लेनेट पर आऊंगा, अभी तुमको और चीज सीखना बाकी है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त भी, जबकि यूनिवर्स 6 वाले सेंस यूनिवर्स 7 वालों के लिए दुश्मन थे, लेकिन तभी भी जब जब गोकू और वेजिटा को मौका मिलता था वो उन सेंस को ट्रेन करते थे और सिखाते थे कि ये है सुपर सेन और ये है सुपर सेन 2 और ये उसके ऊपर की चीज जिसे कहते हैं सुपर सेन 3। इससे हमें ये समझ आता है कि गोकू वेजिटा के पास ऐसी बहुत चीज है जो अगर वो सामने वाले को सिखाना चाहे तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और वेजिटा ने काबा को कहा भी था कि वो पक्का एक बार उनके यूनिवर्स उनके प्लेनेट पर आएगा, जिसका साफ मतलब यह है कि एक ऐसा आर्क भी सामने हमारे आ सकता है जिसमें गोकू वेजिटा यूनिवर्स 6 के सेयंस के यहाँ जाएंगे, उनके यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे और जाके देखेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है। लेकिन एक बात थोड़ी यहाँ खटकती है, ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू के खुद के बेटे पर उसके डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं आने वाले वक्त में गोकू वेजिटा दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे जहाँ के सेयंस ज्यादा तकनीक और फाइटिंग स्किल से लैस नहीं है और जहाँ के सेयंस वो भी खुद नहीं जानते कि वो क्या है? क्या गोकू वेजिटा उनके यूनिवर्स में जाके उनके तक सारी तकनीक और स्किल्स पहुंचा पाएंगे? ये कौन नहीं देखना चाहता? अगर फ्यूचर में जैसे 5 या 6 लोग को मिलके एक सुपर सेयन गॉड बनता है, अगर कल का स्टोरी में कोई ऐसा ट्विस्ट आता है कि उन्हें 20 से 25 सेयंस चाहिए विद प्योर हार्ट, और अगर वो सारी अपनी एनर्जी गोकू को देंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ होगा और हमारे सामने ऐसा कुछ निकल के आएगा, तो गोकू शायद बाकी सेयंस को लाने सबसे पहले यूनिवर्स 6 में ही जाएगा। वैसे माफ करना अगर मेरे पीछे से आवाज आ रही है, तो मुझे पता है मेरे इधर काम चल रहा, शायद कुछ लोग नोटिस करोगे कुछ लोग नहीं करोगे, लेकिन आ रही है आवाज, और ये लोग बोलते बोलते मेरा फ्लो बिगाड़ रहे हैं, मशीन चल रही है। बहन करोड़ो आज ही कर रहा था क्या तब? तो मैं यही कह रहा था, यूनिवर्स 6 के सेयंस का इतिहास क्या है? इतने पिछड़े क्यों रह गए वो? उनको सुपर सेयन जैसी चीज के बारे में कैसे नहीं पता था? क्या उनकी किताब में भी कहीं जिक्र नहीं था, या उनके पूर्वज भी इस बात को कहीं जिक्र नहीं किए थे कि सुपर सेयन नाम की भी कोई चीज होती है और आने वाले वक्त में उनकी पीढ़ी में से कोई ऐसा आएगा जो उस फॉर्म को हासिल करेगा? जैसे हमारे यूनिवर्स में यूनिवर्स 7 में फ्रीजा, किंग वेजिटा बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि हाँ वो दिन जल्दी आएगा जब हम सेयंस में से एक शख्स
सुपर सेयन जैसी चीज को हासिल करेगा। सोच के भी हैरानी होती है राइट, कि यूनिवर्स 6 के सेयन्स जब हमारे यहाँ के सेयन्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख रहे थे तो यूनिवर्स 6 के सेयन्स अंधेरे में जी रहे थे। और देखा भी जाए तो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के सेयन्स में हमने काफी फर्क देखा। हमारे यहाँ के सेयन्स ऐसे है कि उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, उस चीज को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखने के लिए, उस फॉर्म को कैसे मेंटेन करते हैं वो सीखने के लिए उन्हें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन यूनिवर्स 6 के सेयन्स की जो ब्रीड है उस बात के तुम खुद गवाह हो, उनमें हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो पहली बार अगर सुपर सेयन फॉर्म में जा रहे थे तो उसे मास्टर भी वो तुरंत कर ले रहे थे। तो क्या मैं ये एग्जांपल इसमें यूज कर सकता हूँ कि यूनिवर्स 6 के सेयन्स की जो उनकी बॉडी की बनावट है वो हमारी यूनिवर्स के सेयन्स से ज्यादा है। अगर वो चाहे तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे फॉर्म को भी वो तुरंत मास्टर करना सीख सकते हैं। जैसे गोकू को हमने देखा है, अगर वो किसी फॉर्म में जाता है तो उसे लगभग महीने लग जाते हैं, उसे उस फॉर्म को अच्छे तरीके से पॉलिश करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो उस फॉर्म को अच्छे तरीके से मास्टर कर पाता है। लेकिन यूनिवर्स 6 के सेयन हमने 3 से लेकर 4 बार देखा है खुद सामने से। काबा ने भी सुपर सेयन पहली बार वेजिटा के अगेंस्ट में मास्टर कर लिया था, और कॉलिफा ने भी काबा के बताने के बाद सुपर सेयन को मास्टर कर लिया था, और केल ने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही लेजेंडरी फॉर्म को मास्टर कर लिया था। उसको समझ गया था कि कैसे इस फॉर्म को बैलेंस करके रखना है देर तक। ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के सेयन्स में और यूनिवर्स 6 के सेयन्स के डीएनए और जीन में काफी फर्क हो, जिससे हमारी यूनिवर्स के सेयन्स को थोड़ा ज्यादा खुद को पुश करना पड़ता है, और उनके यूनिवर्स वाले बस थोड़े से गाइडेंस में ही सब सीख जाते हैं। और इसका जवाब हमें पहले से ही दे दिया गया था ऑफिशियल राइटर्स के तरफ से कि हाँ, अगर एक सेयन को सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है एस सेल्स की, और ये पीढ़ी बाय पीढ़ी सबके शरीर में बढ़ता जाता है। और अगर गोकू वगैरह ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है, खुद को बहुत पुश किया है, तो उनके अंदर की जो एस सेल्स की मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से गोटेन और ट्रंक्स का यही रीजन है कि उन्हें सुपर सेयन में जाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही उनके फादर्स के और उनके खुद के काफी तादाद में एस सेल्स मौजूद थे। तो यूनिवर्स 6 के केस में हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने हमेशा अपने बेस फॉर्म में काफी वॉर लड़े होंगे, उन्होंने अपने बेस फॉर्म को इतना मजबूत बना लिया होगा कि उनका डीएनए और जीन पीढ़ी बाय पीढ़ी उनका बेस फॉर्म को स्ट्रांग बनाता गया, उनके शरीर में एस सेल्स की तादाद बढ़ते गई जो कभी यूज हुई ही नहीं थी। अगर और आसान भाषा में समझाऊं, उन्होंने सुपर सेयन फॉर्म 1, 2 और 3 को कब का सरपास कर दिया था अपने एस सेल्स से। लेकिन यूनिवर्स 6 के सेयन्स को ये पता नहीं था कि उन्हें सुपर सेयन में जाना कैसे है, तो जब वो सुपर सेयन्स में ट्रांसफॉर्म हुए तो उनके एस सेल्स की वजह से वो सीधा गोकू के सुपर सेयन 1, 2 और 3 के साथ खड़े हो पा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तुम लोग समझ रहे होगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सच्ची में हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक थ्योरी है। मैं खुद चाहूंगा कि राइटर अगर हो सके तो इसे अच्छे से बताए कि क्यों वहाँ के यूनिवर्स के सेयन्स चीजें इतने जल्दी मास्टर कर लेते हैं, और क्या यही वजह तो नहीं जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को मोरो के आर्क में इतना नॉर्मल बना दिया गया, जिससे गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को आने वाले आर्क में दूसरे सेयन्स को पास कर सके, खास करके यूनिवर्स 6 वालों को, या शायद आने वाले आर्क में ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें उनको यूनिवर्स 6 वाले सेयन्स की जरूरत पड़े और उन्हें जल्दी से जल्दी उस सेयन्स को तैयार करना पड़े सामने वाले से लड़ाने के लिए। तो गोकू के दिमाग में आए, हाँ यूनिवर्स 6 के सेयन्स हैं, वो लोग को अगर हम ट्रेन करें तो शायद वो लोग हमसे जल्दी ये चीज को मास्टर कर पाएंगे और उसे हरा पाएंगे जो भी नेक्स्ट आर्क में आएगा। देखो दूसरे आर्क में क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन मेरी उम्मीद है कि अगला आर्क जो भी होगा बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, और मेरी उम्मीद है कि अगले महीने तक अंदाजा हो जाएगा हमें कि क्या हो सकता है ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले आर्क में। और अगर तुमको मेरी थ्योरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे ड्रैगन बॉल सुपर के कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना कर पाओ, और उस सब्सक्राइब बटन पे इतना दबाओ कि सब्सक्राइब बटन भी मास्टर हो जाए। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।